फरवरी के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होगी। IMD ने कहा है कि 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट हल्की वर्षा होने की संभावना है और उसके साथ ही 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं बारिश की तीव्रता 3 फरवरी को अधिक रहेगी। IMD का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। बयान में कहा गया है कि उत्तरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों काफ़ी सर्द है। अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा में शीतलहर जैसी स्थिति रहेगी और उसके बाद ठंड में कमी आने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी के निवासी प्रदूषित हवा में सांस लेने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM10 के लिए 280 और PM2.5 के लिए 176 था। IMD का कहना है कि 2 से 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में और 3 से 4 फरवरी को उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। एक ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े निचले स्तर की पश्चिमी हवाओं और निचले क्षोभ मंडल के स्तर पर बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की दक्षिण पूर्वी हवाओं के बीच संगम के कारण बिहार, झारखंड में गरज या बिजली के साथ काफी व्यापक प्रकाश या मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 3 से 4 फरवरी को पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में, 4 फरवरी को अलग अलग क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।